गुड मॉर्निंग क्लास 6 एक्सरसाइज 3.1 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास एक नंबर है देखिए 24, हमें इसके सारे फैक्टर निकालने। सारे फैक्टर्स का मतलब यह है सभी वो नंबर्स जिनके टेबल में 24 आता हो। अब अगर हम अंदाजा लगाएंगे तो हो सकता है कोई ना कोई मिस हो जाए। इसको करने का बेस्ट तरीका देखिए ये है, 1 से शुरू हो जाओ। 1 के टेबल में हर नंबर आता है तो 1 × 24 होता है 24। क्या 2 के टेबल में 24 आएगा? हाँ आएगा, 2 × 12, 2 × 12 = 24। 3 के टेबल में देखिए, 3 के टेबल में 24 आएगा, 3 × 1 = 3, 2 × 6 = 9, 4 × 12 = 15, 6 × 18, 3 × 9 = 21, 3 × 8 = 24, बिल्कुल आता है 3 × 8। 4 के टेबल में भी 24 आता है, 4 × 6 = 24, है ना। उसके बाद 5 के टेबल में 24 नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 6 मैंने यहाँ पे लिख लिया, दोबारा नहीं लिखना, यानी जो नंबर आप पहले लिख चुके हो उसको दोबारा नहीं लिखना है, 6 लिख चुके हैं। 7 के टेबल में 24 आता नहीं, 8 के टेबल में आता है, 8 × 3 = 24, 8 लिख लिया। 9 के टेबल में 24 नहीं आता, 10 के टेबल में भी नहीं आता, 11 के टेबल में भी नहीं आता, 12 के टेबल में आता है, वो मैं लिख चुका हूँ, देखो यहाँ पे 12 लिख चुका हूँ। उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, इन सारे टेबल्स में 24 नहीं आएगा, सिर्फ 24 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पर मैंने देखा ये 8 नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन सब के टेबल्स में 24 आता है। इसका मतलब फैक्टर्स ऑफ 24 आर, 24 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, ये सारे नंबर होंगे, तो इनको आपने कोमा डाल के लिखना है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, ये सारे नंबर वो है जिनके टेबल में 24 आएगा, इसीलिए इन सभी नंबर्स को 24 के फैक्टर्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आइए इसका एक और भाग देखते हैं। बी भाग इसका है देखिए 15, तो 15 जो है देखिए, 1 के टेबल में मैंने कहा था सारे नंबर आएंगे, 1 × 15, 15, 2 के टेबल में 15 नहीं आता क्योंकि 15 ऑड नंबर है, यह 2 के टेबल में आ नहीं सकता, 3 के टेबल में 15 आता है, 3 × 5 = 15, 4 के टेबल में 15 नहीं आ सकता, 5 के टेबल में आता है लेकिन 5 हम लिख चुके हैं इसलिए इसको दोबारा नहीं लिखना, 6 के टेबल में 15, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, नहीं आता, 7 के टेबल में भी 15 नहीं आता, 8 के टेबल में भी 15 नहीं आता, 9 के टेबल में भी 15 नहीं आता, 10, 11, 12, 13, 14 के टेबल में आप देखेंगे तो 15 नहीं आता, 15 के टेबल में 15 आता है, 15 × 15, तो 15 हमने लिख लिया है। ठीक है, ये देखो 15 हम पहले लिख चुके हैं। इसका मतलब इन चार नंबरों के अलावा और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिनके टेबल में 15 आता हो, तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ, फैक्टर्स ऑफ 15 आर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1, 3, 5 और 15, ये चार फैक्टर्स हैं 15 के, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, और कोई ऐसा टेबल ही नहीं है जिसके टेबल में 15 आता हो। आइए इसका सी भाग देखते हैं। सी भाग है 21, तो सबसे पहले 1 के टेबल में तो हर नंबर आता ही है, तो 1 × 21 = 21 होगा, 2 के टेबल में 21 नहीं आता, 2 × 10 = 20 होता है, 2 × 11 = 22 होता है, तो 21 तो नहीं आता 2 के टेबल में, वैसे भी ये ऑड नंबर है, ये 2 के टेबल में नहीं आ सकता, 3 के टेबल में 3 × 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, तो ये 3 के टेबल में आता है 3 × 7 = 21, 4 के टेबल में 21 नहीं आता, 5 के टेबल में 21 नहीं आता, 6 के टेबल में 21 नहीं आता, 7 के टेबल में 7 × 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 के टेबल में आता है, 7 लेकिन मैं लिख चुका हूं 7, इसलिए दोबारा नहीं लिखना।
उसके बाद 8 के टेबल में 21 नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आता, 10 के टेबल में भी नहीं आता, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, किसी टेबल में भी 21 नहीं आता, 21 के टेबल में आता है, वो हम लिख चुके। इसका मतलब इन चारों के अलावा और कोई नंबर ऐसा नहीं है जिनके टेबल में 21 आता हो। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 21 आर 1, 3, 7, 21। आइए इसका हम एक और भाग देखते हैं, बाकी भाग इसके आप खुद करना, ए बी सी भाग मैंने आपको करा दिया, डी ई एफ जी एच आप करना खुद, एक भाग आई मैं इसका आपको करवा रहा हूं। देखो ये नंबर है 36, देखो सबसे पहले 1 के टेबल में 36 आता ही आता है 36। उसके बाद 2, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि 236 2 के टेबल में आता है या नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं 36 को 2 से डिवाइड करके देख सकता हूं, डिवाइड आप सबको आती है, 2 1 2, 3 में से 2 निकाला 1, यहां से उतारा 6, 2 8 16, ठीक है, 18 2 36, इसका मतलब ये जाता है 2 के टेबल में आता है, 2 into 18 36 होता है। इसके बाद 3 के टेबल में मुझे तो टेबल आता है, अगर आपको नहीं आता तो आप 36 को 3 से डिवाइड करके देख लो, 3 1 3, 3 में से 3 गए 0, ऊपर से उतारा 6, 3 2 6, 6 में से 6 गए 0, तो 12 3 36। टेबल्स आपको आते होंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा काम, इसलिए सब बच्चे टेबल्स याद कीजिए, इस चैप्टर में टेबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। तो 3 12 36 होता है, 4 के टेबल में 36 आता है, 4 9 36 है ना, 5 के टेबल में 36 नहीं आता, 6 के टेबल में, हाँ 6 के टेबल में आता है, 6 6 36, 7 के टेबल में 7 5 35, 7 6 42 नहीं आता 36, 8 के टेबल में भी 36 नहीं आता, 8 4 32 होता है, 8 5 40 होता है, तो 36 नहीं आता, 9 के टेबल में आता, 9 मैंने लिख लिया, 10 11 के टेबल में 36 नहीं आता, 12 के टेबल में आता वो मैंने लिख लिया, 13 14 15 16 17 के टेबल में 36 नहीं आता, ये टेबल्स आपको याद होने चाहिए, 18 के टेबल में आता है वो मैंने लिख लिया, बाकी और किसी टेबल में नहीं आता, 36 के टेबल में आता है वो भी मैंने लिख लिया। अब मैंने सारे नंबर लिख लिए, इसका मतलब इनके अलावा और कोई नंबर नहीं जो 36 का फैक्टर हो, तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 से शुरू हो जाओ, 1 2 3 4 6, 6 दोबारा है, दोबारा नहीं लिखना, 9 12 18 36, ये 36 है, तो ये 36 के फैक्टर्स हैं। इस प्रकार से आप नंबर्स के फैक्टर्स लिख सकते हैं।